दोस्तों आज की कहानी है बहू हमारे यहाँ पोए का नाश्ता नहीं सलेगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। मीना बहू को अच्छी तरह से समझा दियो, मेरे सामने मुंह उदाड़ के खड़ी ना हो जाया करे। बहुओं का खुला सिर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अम्मा जी ने अपनी बेटी मीना को कहा, जो अपनी नई नवेली भाभी रितु के कमरे में खड़ी थी। अम्मा जी दन दनाते हुए कमरे में चली आई थी। रितु का सिर खुला था, उसने सोचा कमरे में वे तीनों औरतें ही तो थी, इस वजह से उसने सर पर पल्ला लेने की जरूरत नहीं समझी। रितु को बड़ा अजीब लगा ये सोच कर कि अम्मा जी के सामने उसे हर वक्त सर ढक कर रहना पड़ेगा। उसे याद आया जब उसके पापा के सामने उसकी भाभी सर ढक कर रहती तो पापा ने खुद ही उन्हें मना कर दिया, ये कहकर कि ऐसे बंदे तो तुम्हारा घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए जैसी मीना वैसी तुम। अब से उन दोनों में बाप बेटी का सा रिश्ता बन गया। सब एक साथ बैठकर हंसते बोलते खाते पीते। दोपहर को अम्मा जी की मित्र मंडली बहू को देखने आई तो रितु उनके पास बैठने लगी। तभी अम्मा जी ने टोका, बराबर में कहाँ बैठ रही हो, वो पीड़ा लो उस पर बैठो। बहुए बराबर में नहीं बैठती। फिर महेश की अम्मा की तरफ देखकर बोली, तेरी बहू रिया तो इतनी बढ़िया है कि अगर पीड़ा ना हो तो जमीन पर ही बैठ जाती, पर बराबर में बैठवे की हिम्मत ना करती। एक ही दिन में रितु का दम घुटने लगा। रितु के कमरे और अम्मा जी के कमरे के बीच एक दरवाजा था जो रितु और रमेश की शादी से पहले खुला रहता था। रात में रितु उसे बंद करने लगी तो अम्मा जी ने टोक दिया, बंद करने की क्या जरूरत, पर्दा पड़ा तो है। रमेश और रितु को अपनी प्राइवेसी महसूस नहीं होती थी। रितु सर धोकर बाल सुखाने धूप में बैठती तो अम्मा जी वहीं मंडराती और ताना मारना ना सूखती। मुझे नहीं पता था तुम सिर खोले बैठी हो, वरना मैं ना आती। रितु के घर से किसी का फोन आता तो अम्मा जी कान लगाकर सुनती। उन्हें रितु का फोन पर बात करना या टीवी पर अपना मन पसंद सीरियल देखना भी गवारा नहीं था। रितु को लगता शादी ना हो गई, जैसे उम्र कैद हो गई। अम्मा जी रोज नाश्ते में पराठे बनाया करती। रितु को सुबह सुबह नाश्ते में ब्रेड या पुआ आदि हल्का खाने की आदत थी। उसने दबी जुबान से कहा तो अम्मा जी बोली, हमारे यहाँ ब्रेड ब्रेड कोई ना खाता, पराठा खाओ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। गर्मी के दिन थे रमेश की शादी से पहले। अम्मा जी अपनी और रमेश की चारपाई आंगन में बिछवाती। उन्होंने कहा, रितु के लिए भी एक चारपाई डलवा देते हैं, कैसी ठंडी हवा है, अंदर सोएगी, बेकार कूलर चलाकर बिजली फूकेगी।
अम्मा जी की दखल अंदाजी से परेशान तो रमेश भी था, पर खुलकर अम्मा जी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी एक दिन रमेश के मामा जी आए। अम्मा जी ने रितु को सख्त हिदायत दी कि मामा के सामने घूंघट में रहियो, उनके सामने मत आइयो। जी आए, रितु ने खूब बढ़िया खाना बनाया, काम वाले के हाथ खाना भिजवा दिया। भाई बहू रानी को तो बुलाओ, वो भी हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी। रितु पशु पेश में किस की सुने। तब अम्मा जी ने खुद ही रितु को बुला लिया। शाम को मामा जी और रमेश का मूवी का प्रोग्राम बना। मामा जी ने अम्मा जी को बताया, रितु भी हमारे साथ जाएगी। भाई के आगे अम्मा जी की एक ना सली। रितु परेशान की घूंघट डालकर मूवी जाना, मानो अपना जुलूस निकलवाना। पर कार में बैठते ही मामा जी ने रितु को घूंघट हटा देने को कहा, तो रितु ने जैसे सैन की सांस ली। रात को जब मामा जी ने देखा कि रमेश और रितु के पलंग भी बाहर लगे हैं, तब उन्होंने अम्मा जी को समझाया कि पहले की बात और थी, अब रमेश शादीशुदा है। इन दोनों को साथ समय बिताने का मौका देना चाहिए। आपका एक ही बेटा है, उसके साथ ही रहना है, तो उन्हें अपने हिसाब से खुलकर रहने की आजादी देनी पड़ेगी। बहू को स्पेस देनी पड़ेगी, तभी वह आपको अपना समझेगी। नहीं तो वह आपके पास बैठने में भी कतराएगी, फिर आप अकेली बैठी रहना। आप सास हो, माँ बन कर रहो, ससुर बनने की कोशिश मत करो। अम्मा जी को भाई की बात सही लगी। उन्होंने अपना दरोगाई रवैया बदलने और ससुर न बनकर माँ बनने की ठानी। जल्द ही उन्हें रितु बहू नहीं बेटी सी नजर आने लगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जो माँ जल्दी विधवा हो जाती है, वे एक तरफ ये सोचने लगती है कहीं शादी के बाद लड़का उनके हाथ से निकलकर बहू के कब्जे में हो जाए और वे अकेली हो जाए। इसलिए घर में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वे ससुर बनने की कोशिश करने लगती हैं। शुरू से ही बहू को दबाकर रखना चाहती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।